हो गई नए वेतनमान के एरियर की अधिसूचना। सरकार ने जारी की बकाया एरियर देने की अधिसूचना। 75 साल से ऊपर के सभी पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। 15 अगस्त को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की थी घोषणा। हिमाचल सरकार ने नए वेतनमान के एरियर की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिसूचना 75 साल से ऊपर के रिटायर्ड कर्मचारी व फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि 75 साल से ऊपर सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को जो 2016 के बाद का एरियर है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। अब उसके बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। हालांकि यहां पर पेंशनर्स को सरकार ने एक झटका भी दिया है, जहां पर सरकार ने पूरा एरियर जारी ना करते हुए केवल 50% एरियर देने की ही अधिसूचना जारी की है। हालांकि इन पेंशनर्स को 55% एरियर पहले दे दिया गया था, इनका 45% एरियर बकाया था। इस बचे हुए 45% एरियर में से केवल 22.5% एरियर देने की ही अधिसूचना जारी की है। इसमें सरकार ने कहा है कि जो भी पेंशनर 75 साल से ऊपर के हैं और जो 2016 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनका बकाया 45% एरियर का 50% यानी के 22.5% एरियर का भुगतान एकमुश्त अगस्त के महीने में किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब इसके बाद इन पेंशनर्स व फैमिली पेंशनर्स का कुल एरियर 77.50% हो जाएगा। इसके बाद भी हालांकि पूरा भुगतान इन पेंशनर्स का नहीं हो पाएगा, अभी भी 22.5% एरियर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का बकाया रह जाएगा। कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार शायद एक मुश्त इन सभी पेंशनर्स को पूरा एरियर प्रदान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अधिसूचना में साफ किया गया है कि 45% जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का एरियर बकाया है, उसका भी 50% एरियर यानी कि 22.5% एरियर ही इन सभी को दिया जाएगा। इसी के साथ अधिसूचना में ये भी कहा गया कि जो रिटायर कर्मचारी 75 साल या इससे अधिक की उम्र अगस्त के महीने में प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें ही एरियर मिलेगा। इसी के साथ अन्य कर्मचारी व पेंशनर्स भी सरकार से डीए और एरियर की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कयास लगाए थे कि 15 अगस्त को सरकार डीए पर जरूर कोई ना कोई घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। अब इसके बाद सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उसके बाद सरकार ने भी इन कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। अब इसके बाद सचिवालय कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर सचिवालय में काम कर रहे हैं। 75 साल या इससे कम उम्र के जितने भी कर्मचारी व पेंशनर्स हैं, वो भी डीए और एरियर का इंतजार कर रहे हैं। अब ये आने वाले समय में ही पता लगेगा कि क्या इन कर्मचारियों को भी कोई लाभ मिल पाएगा या इन्हें अभी इंतजार करना होगा।